तो गुरु लोग असुर 2 का असुर मुझे मिल गया। इतनी खुशी, इतना इंटरेस्ट से देखा तो मुझे तो मिल गया असुर 2 का असुर। आपको मिलाना है मिला, मेरे को तो मिल गया भाई। तो आज आपको बताता हूं असुर 2 का असुर कौन है और इस मूवी को पूरा रिलेट करके किससे बनाया गया और क्या चीज मेन कॉन्सेप्ट पे चलती है। अभी तक के लिए अपने असुर 2 का रिव्यू मेरा देखा ना देखा हो, लेकिन डेफिनेटली मैं इतनी बात जरूर कहता हूं, सारे चैप्टर्स देखने के बाद मजा आ गया और जो शुभ था उसने अपने आप को क्यों खुद को पकड़वाया इसको भी बताएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद बताते हैं कि ये सब चीजें सीरीज में क्यों हुई और आगे क्या होने वाला है। चलिए शुरू। तो गुरु लोग आपको पता ही है कि शुभ इतना शार्प माइंडेड इंसान था कि अभी तक उसने पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हिला के रखा हुआ था, उनकी सारी टेक्नोलॉजी को उसने हैक करके रखा हुआ था। इतना बड़ा बॉम्ब फाइनलाइज करने के बावजूद भी बंदे ने अपनी लोकेशन को खुद ही टैप करवा लिया और धनंजय के दिमाग में क्यों ये सब चीजें डाली। अब धनंजय के साथ बैठी वो ब्लाइंड लड़की उसको सब कुछ बता रही है और साथ ही साथ शुभ उसको कह रहा है कि तू उसकी मदद करेगा। अब क्यों मदद करेगा ये तो भाई स्टोरी में खुद ही शुभ जानता था। शुभ के मरते मरते भी लास्ट में उसने एक बात कहा कि गया कली को हराना संभव नहीं है, कली के पास दो महाशक्तिशाली सेनापति थे। अब भाई इस बात का मतलब ये था कि भी अभी शुभ ही एक फाइनलाइजेशन नहीं है, मेन जो असुर है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको बताता हूँ कि भाई क्यों शुभ ने अपने आप को पकड़वाया। अब सबसे बड़ी बात, उसको पकड़वाने का एक ही इंटेंशन था, पूरी की पूरी कहानी चलाने वाला एक इंसान मास्टरमाइंड इंसान अभी भी जिंदा है और वो खून पे खून करे जा रहा है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। उसने एक बार में 22 किल कर दिए आश्रम में। अब सारी गेम चलाने वाला वो इंसान साधु जिसने महाभारत के कॉन्सेप्ट के ऊपर इन सबका माइंड वॉश करके रखा हुआ था और उसी ने ये सब चीजें बता के रखी कि दुनिया यानी कि कलयुग डिस्ट्रॉय होने वाला, वो कैसे डिस्ट्रॉय होगा। उसका तो सिर्फ AI टेक्नोलॉजी बेस बना है, लेकिन एक्चुअलिटी बेस क्या हुआ वो आगे हमें अगली सीरीज में पता लगेगा, जिसमें धनंजय निखिल और जिसमें नुसरत और इसकी टीम को फिर से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। निखिल अब कहीं और चला गया है, एट द एंड पॉइंट पे उसको लग रहा है कि शुभ मरने के बाद सब चीज खत्म हो गई है, लेकिन एक्चुअलिटी अभी कलयुग का जो मेन इंसान जिसने सब चीजों को लीड करा है वो अभी जिंदा बैठा हुआ है, वो इंसान ये है। चलो अब काफी सारी चीजें जो नोटिसेबल वाली थी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो रसोल ने डाटा ट्रांसफर करा था, वो डाटा ट्रांसफर करने के बाद किसको वो डाटा उसने ट्रांसफर करा, कहां गया वो डाटा, और दूसरी बात शुभ ने अपने आप को पकड़वाने के बाद वो डाटा सिस्टम का क्या करा। तीसरी चीज, अब वो जो ब्लाइंड लेडी थी जो शुभ की बहुत अच्छी दोस्त थी, जिसको खुद ही शुभ ने कहा था कि मदद करने के लिए, क्योंकि वो जिस डायरीज में पढ़ती थी वो शुभ की लिखी हुई डायरीज थी, और क्या वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि जिस तरह से उसकी स्ट्रक्चर लगा हुआ था उस हिसाब से उसको लग रहा था शी इज अ प्रेग्नेंट लेडी। और थर्ड चीज जो मैंने बहुत बड़ी नोटिस करी कि एक ऐसा कैरेक्टर जिससे काफी सारे कैरेक्टर्स जुड़े हुए थे, वो कैरेक्टर्स की स्टोरी को बिल्कुल ही साइड रख दिया गया। अब वो कैरेक्टर्स सामने निकल कर आएंगे और उनसे क्या क्या चीजें रिवील होती है ये तो आपको अगले सीजन में पता लगेगा, लेकिन साथ ही साथ अभी असुर जिंदा है और असुर क्यों जिंदा है ये तो आपको सीजन में पता लगेगा, लेकिन मजा बड़ा आने वाला है क्योंकि ये तो सिर्फ एक झलकी थी, सिर्फ दिमाग हिला देने वाली थी, तो अगली कितना दिमाग हिला देने वाली। AI टेक्नोलॉजी का एक्चुअलिटी किस तरह से इस्तेमाल करने वाला वो एक ऐसा इंसान अभी हमारे सामने आना बाकी है। तो असुर सीजन 3 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगले सीजन के शूट कब शुरू होता है वो आपको डिटेल पक्का देंगे, बट अभी के लिए सीजन 2 का मजा लीजिए। और डार्केस्ट एंड द बेस्टेस्ट विदाउट एनी म्यूजिक कंटिन्यूसली चलने वाला एक ऐसा चैप्टर जो कि आपको हिला डालेगा और कलयुग की सच्चाई दिखाएगा कि भी आज के टाइम में दुनिया कितना सेल्फिश लेवल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक के रेट